हेलो दोस्तों नमस्कार, मौसम तक राजस्थान डीआरटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों बात करते हैं आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान में कैसा रहने वाला है मौसम। और एक कमजोर सक्रिय डब्ल्यूडी के प्रभाव से आज राजस्थान के कई जिलों में दोपहर के बाद से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। कई जिलों में तेज आंधी के साथ हल्की तो एक दो जिलों की बात करें तो तेज बारिश की गतियां होने वाली है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर अरब सागरी शाखा से आने वाले बादलों के और प्री मानसूनी एक्टिविटी के प्रभाव से कई जिलों में आज के बाद से बारिश की गतियां शुरू होने वाली हैं और हो सकता है आने वाले समय में राजस्थान के अंदर 23 जून से प्री मानसून की एक्टिविटी के साथ जोरदार बारिश की गतियां देखने को मिले। और अब आगे मानसून बढ़ने की संभावना है क्योंकि बंगाल की खाड़ी के अंदर एक नया सर्कुलेशन उभर चुका है। और आने वाले समय में संपूर्ण राजस्थान के अंदर कैसा रहने वाला है मौसम, इसकी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पर वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने चैनल मौसम तक राजस्थान डीआरटी को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। तो वर्तमान में देखा जाए तो संपूर्ण भारत पर किस प्रकार के मानसूनी सिस्टम बने हुए हैं। मौसमी सिस्टमों की बात करें तो एक सर्कुलेशन वर्तमान में उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। वर्तमान की इस ऊंचाई की बात करें तो 3000 मीटर के आसपास एक सर्कुलेशन के रूप में केंद्रित है और इस धीरे धीरे मजबूत होने की संभावना है और एक सर्कुलेशन सतह से लगाकर ऊंचाई तक देखने को मिलेगा जिसके प्रभाव से मानसूनी हवाओं को ये भारत के मैदानी इलाकों में पुश करता हुआ नजर आएगा और मानसून आगे बढ़ने में सहयोगी बन सकता है। और एक अन्य हल्का सर्कुलेशन वर्तमान में उत्तरी पश्चिम बंगाल और दक्षिणी बिहार के आसपास बना हुआ है और एक कमजोर सक्रिय डब्ल्यूडी उत्तरी हिमालय क्षेत्रों के आसपास पहुंच चुका है जिसके प्रभाव से कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की गतियां रहने वाली हैं। और इससे परिसंचरण तंत्र के रूप में सर्कुलेशन की बात करें तो वर्तमान में पाकिस्तान के मध्य इलाकों पर केंद्रित हैं और अरब सागरी शाखा से आने वाली हवाएं लगातार राजस्थान के पश्चिमी जिलों से लगाकर दक्षिण पूर्वी इलाकों तक देखने को मिल रही हैं जिसके प्रभाव से इन क्षेत्रों में तेज हवा का प्रभाव विशेषतः जैसलमेर बाड़मेर के इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान रह सकता है। उसके बाद हवा में कमी देखने को मिलेगी। आज दोपहर के बाद से इन क्षेत्रों में हवा की गति में कमी देखने को मिल सकती है। आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो राजस्थान के उत्तरी जिलों में विशेष श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर के आसपास के इलाकों में तेज खंड बारिश की गतियां देखने को मिल सकती हैं। जैसलमेर के एक दो इलाकों में भी बादलों की गतियां आज से शुरू होती हुई नजर आएगी। जोधपुर, पाली, अजमेर के आसपास लगाकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के इलाकों में भी अरब सागरी शाखा से आने वाले बादलों का प्रभाव देखने को मिलेगा और हवा की गति में तेजी देखने को मिलेगी। पूर्वी राजस्थान के अंदर भी देखा जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान एक दो इलाकों में खंड बारिश की गतियां रहने वाली हैं। बाकी देखा जाए 23 जून से मानसून की प्री एक्टिविटी देखा जाए तो प्री मानसून की गतियां देखने को मिलेगी और राजस्थान के पश्चिमी जिलों में विशेषतः जोधपुर, पाली, संभाग के कई इलाकों में जोरदार बारिश की गतियां 23 जून से लगाकर आपको लगातार देखने को मिल सकती हैं। और मानसून की एंट्री भी देखा जाए तो 25 जून के आसपास राजस्थान के कई जिलों में देखने को मिलेगी क्योंकि वर्तमान मानसून हल्का कमजोर नजर आ रहा है क्योंकि वर्तमान में कोई अरब सागरी शाखा से और न ही बंगाल की खाड़ी की शाखा से कोई विशेष सिस्टम इसको आगे बढ़ने में सहयोगी बन रहा है। वर्तमान में बने सर्कुलेशन के प्रभाव से जल्द मानसून आगे बढ़ने की गतियां देखने को मिलेगी और संपूर्ण भारत को मानसून कवर करता हुआ राजस्थान सहित कई जिलों में आगे बढ़ जाएगा। मानसून की जोरदार प्रदर्शन की आगे 80 संभावना नजर आ रही है और कई जिलों में राजस्थान के इलाकों की बात करें तो 80 बारिश की गतियां होने वाली हैं। अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के इलाकों में डब्ल्यूडी के प्रभाव से होने वाली बारिश की गतियां देखी जाएगी। पूर्वी राजस्थान के अंदर भी मध्यम से तेज तो एक दो इलाकों में खंड बारिश की गतियां अगले 24 घंटों के अंदर संभावित हैं। जयपुर संभाग के आसपास के इलाकों में भी हल्की बारिश की गतियां रहने वाली हैं। वर्तमान में देखा जाए तो संपूर्ण भारत पर किस प्रकार के सैटेलाइट इमेज बनी है। सैटेलाइट इमेज के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि वर्तमान मानसून किस प्रकार एक्टिव नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी के अंदर देखा जाए तो लगातार मानसून में सक्रियता नजर आ रही है और उत्तरी हिमालय क्षेत्रों की बात करें तो राजस्थान के उत्तरी इलाकों से लगाकर वर्तमान में डब्ल्यूडी के प्रभाव से आपको घने बादल नजर आ रहे हैं और बंगाल की खाड़ी के अंदर बन रहे सर्कुलेशन के प्रभाव से भी इन क्षेत्रों में आपको घने बादल नजर आ सकते हैं और मानसून आगे बढ़ने की गतियां अगले 24 घंटों के अंदर संभावित है।
हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ इलाकों में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ इलाकों में मानसून जल्द आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है और एक हल्का सर्कुलेशन वर्तमान में गुजरात के दक्षिणी भागों के आसपास बना हुआ है, जिसके प्रभाव से राजस्थान के पूर्वी इलाकों में अरब सागरीय शाखा से आने वाले बादलों के प्रभाव से हल्की बूंदाबांदी नजर आ सकती है। उत्तरी राजस्थान के अंदर WD के प्रभाव से मध्यम से तेज बारिश की गतियां वर्तमान में सुबह के समय श्री गंगानगर के आसपास के इलाकों में हल्के बादल नजर आ रहे हैं। हनुमानगढ़ तक आपको बादलों की गतियां देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों, मौसम तक राजस्थान DRT चैनल पर अब गलत नहीं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।